सर मॉर्निंग, ये जो अमेरिका समेत दुनिया भर के मार्केट्स में एकाएक इतना बड़ा क्रैक आया है, हमारे लिए कितनी चिंता की बात है सर? हमारे ऊपर असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए असर तो हम पर और पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा है और पड़ता हुआ दिख भी रहा है। आप देख ही सकते हैं कुछ अपने कारणों से, कुछ अमेरिका की वजह से निकली जोर से घटा है। वहाँ पहले से चिंताएं थी क्योंकि ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ी है। कल यूरोप के बाजारों में तेज गिरावट रही, कोरिया आज जोर से टूटा है, तो असर तो सभी जगह आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि एक और जहां अमेरिकी बाजार इस बात की खुशी मना रहे कि चलिए रेट कट शुरू होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब तक इकोनॉमी ठंडी ना हो तब तक आपका महंगाई का आंकड़ा नीचे आए कैसे? तो जो महंगाई नीचे आ रही है उसके साथ साथ वो इकोनॉमी पर असर डाल रही है। जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका में वो कमजोर आ रहे हैं, उससे अब अमेरिका में फिर से लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से करीबन करीबन 1.5 साल बाद फिर से लोग अब रिसेशन की और मंदी की बातें करने लगे हैं और इसी वजह से कल जोर से घटा है। कुल मिला के बात यह है ना कि थोड़े समय तक अमेरिकी बाजार है ना, ये बहुत वोलेटाइल रहेंगे। वो हम पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से हम ये बात करें कि बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है, क्योंकि इस इन लेवल्स पर जहाँ 40,000 के आसपास डाउ है, दोनों तरफ के लोग बड़े स्ट्रांग हैं, जिनको तेजी करनी है, उनको लगता है कि अब तो रेट कट हो रहा है, इकोनॉमी का बड़ा पुश मिलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तो चलिए तेजी करते हैं। और दूसरी तरफ जो मंदी करने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हो गया है, सब कुछ बढ़िया है, अब इसके आगे कुछ खास ऐसा है नहीं, तो वहां पर जिनको बेचना है वो भी बड़े एग्रेसिवली बेच रहे हैं। तो इस वजह से वॉलेटिलिटी काफी है और थोड़े समय तक जब तक ये सेटल ना हो तब तक आपको इसी तरह से ऊपर नीचे बाजार होते हुए दिखेंगे। अब ये कहना भी मुश्किल है कि ये असर एक ही दिन का है या लंबा चलने वाला है, तो बेहतर ये कि थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के संकेतों को आप डे ऑन डे बेसिस पर देखें बजाय एक डायरेक्शनल कॉल लेने के। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी कारण से ग्लोबल मार्केट थोड़े ऊपर रहेंगे, चाहे वो फिर महंगाई और ब्याज दरें हों, चाहे फिर ये रेसेशन के डर वाली खबरें हों, चाहे इसराइल हमास वाली खबरें हों, तो थोड़ी उतार चढ़ाव बढ़ने के जो संकेत है उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। ठीक है सर, कॉशन तो बरतेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी सर यहाँ पे महत्वपूर्ण स्तर कौन से होंगे? अगर हमारे लिए तो क्या फर्स्ट क्लास कल क्लोजिंग हुई है, 25,000 पर जाकर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, लाइफ टाइम दिन में बनाया हाई है, पहली बार इतिहास में 25,000। टेक्निकली देखें तो कल हो सकता है जिन लोगों ने बीटीएससी पोजीशन बनाई होगी वो तो सारी लॉन्ग पोजीशन ही बना के गए होंगे, राइट? क्योंकि कल तो कोई ऐसा संकेत नहीं था कि आप शॉर्ट करके जाएंगे 25,000 पर बंद होने पर, और दिन के दौरान भी आपने 25,000 बनाया और इंट्राडे भी। जाहिर सी बात है ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, तो आप सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचेंगे और वहां आप बड़े गैप से खुलने के बाद बाजार सपोर्ट लेंगे, और जो अच्छा सपोर्ट है वो है 24,775 24,850। इस रेंज में आने पे दो चीजें होंगी, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत खरीदारी भी। अब एक और मजे की बात देखिए नेहा, कि कल इतने दिनों बाद पहली बार एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़ा है। सोचिए ये भी क्या परफेक्ट टाइमिंग करते हैं, जहाँ खरीदारी शुरू की वहीं से कमजोरी की शुरुआत थोड़ी बहुत जो आज होती हुई दिखेगी। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप ये सोचेंगे डे टू एफआईएस थोड़ा खरीदने का मन बनाएंगे तो ये सपोर्ट रेंज आपके लिए 24,775 24,850। अगर आपके पुरानी शॉर्ट पड़ी है और आप फंसे पड़े हैं तो थोड़ी बहुत वहां कवर कर लीजिए। ऊपर की तरफ 25,000 25,075 ये रुकावट की रेंज है, यहाँ पर रिकवरी इतनी होनी मुश्किल लगती है, शायद 24,950 भी पार ना हो तो वहां पर प्रॉफिट बुक करिएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 50,851 आपके लिए सपोर्ट है और 51,775 51,950 सप्लाई रेंज है, इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए और बताने के लिए एग्जैक्टली अब कितना कॉशन यहाँ से बरतने की जरूरत है।